हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं पैशन और सक्सेस यानी कि जुनून और सफलता इस विषय को लेकर बात करूंगी एक नर्स के बारे में, जिन्होंने अपने जुनून को इस तरह से अपनी जिंदगी में फॉलो किया कि वो नौकरी करने के बजाय नौकरियां देने लगी, और वो भी नेत्रहीन लोगों को। मैं आज के न्यूज़पेपर में इस खबर को पढ़कर इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई और मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूँ। हो सकता है इसको सुनकर आप भी इंस्पायर हो जाएं। 56 इयर्स के जॉनिता मुंबई के बांद्रा में अपना मेटाफुड रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर चलाती हैं, और उनका यह सेंटर बिल्कुल यूनिक है क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ नेत्रहीन थेरेपिस्ट को ही नौकरी देती हैं। आज से करीब 10 साल पहले नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई में कुछ नेत्रहीन लोगों के साथ जॉनिता की बातचीत हुई थी, और उन्होंने जॉनिता को बताया कि लोग उनको नौकरियां नहीं देते हैं क्योंकि वो नेत्रहीन है। तब जॉनिता की अंतरात्मा ने उनसे बोला कि उन्हें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये सेंटर स्टार्ट करने से पहले वे जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में एज ए नर्स काम करती थी। उन्हीं दिनों में ही उनको नेचर थेरेपी, योगा और प्रिवेंटिव मेडिसिन में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, और उन्होंने 2008 में थाईलैंड से फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर अध्ययन किया। सेंटर की शुरुआत के दिनों में उन्होंने एक घंटे के फुट मसाज का 100 रुपया मूल्य रखा, जो कि बहुत ही कम लोग देते थे क्योंकि उनको लगता था कि नेत्रहीन लोग जो हैं वो इस काम को शायद अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने 100 रुपये का मूल्य वसूल नहीं हो पाएगा। और आज वही लोग 400 से 500 रुपये तक एक घंटे की मसाज के लिए देने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस तरह से जॉनिता बन गई जॉब सीकर से जॉब गिवर। आपको क्या लगता है, इस सफर में जॉनिता को क्या कोई कठिनाइयां नहीं आई होंगी? बहुत सी आई होंगी, बहुत तकलीफें आई होंगी, लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ी होंगी, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को अपने दिल में समाये रखा और आगे ही बढ़ती रही। यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने जुनून को पहचाने, उसके लिए अनथक बहुत बहुत ज्यादा प्रयास करें। अनथक प्रयास करें मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करें उसके लिए, और असफलताओं से घबराएं नहीं और मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं डरें, और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं, और ये सब करते हुए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो ये थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी है, इंस्पायरिंग लगी है, तो प्लीज़ उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना जो लगता है कि इससे इंस्पायर होंगे। आज है 15th October 2019 और आज की हिंदुस्तान टाइम्स में ये स्टोरी आई है। अगर आप चाहो तो वहाँ पढ़ भी सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी मैं आपको एक नया एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।